औरंगाबाद शर्मा, आपकी ब्रांच के लीडर रमन जी, डेवलपमेंट ऑफिसर्स और आप सब साथियों, सबसे पहले तो जिस वजह से मैं बात करना चाहती थी आप लोगों से, आप लोगों ने जो आज यहाँ हम लोगों को सम्मान दिया इस टीम के बीच में आके, हम लोग बहुत 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 अच्छा लग रहा है उस सबके लिए। थैंक यू सो मच। नैच के लिए हमने जितने भी लोगों से बात किया, सबने कहा कि नैच में प्रॉब्लम्स हैं, पर नैच में प्रॉब्लम क्यों है ये समझना पड़ेगा। अच्छा, आपको कोई नैच के लिए एस एम एस आया? आपका एजेंसी मार्केट जो मास्टर है उसमें आपका मोबाइल रजिस्टर्ड है? आपको कोई एस एम एस आया आपने जो नैच में उसके लिए? मैसेज क्या आया? रिडक्ट नहीं हुआ? नहीं, मतलब उसमें कोई रीज़न आया होगा क्यों रिजेक्ट हुआ? आप मैसेज दोबारा पढ़ना। अभी जैसा साहब ने बताया कि 14 अप्रैल से हम लोगों ने बैंक चेंज किया है, नैच मैंडेट के लिए जब भी वो एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है, इमीडिएटली पार्टी को भी, कस्टमर को और एजेंट को, दोनों को एसएमएस आता है, एक्सेप्टेंस का भी रिजेक्शन का भी। अगर रिजेक्शन है तो उसका रीज़न भी साथ में लिखा जाता है। ये बहुत अच्छा एक टूल है आपका। सबसे ज़्यादा जो आप कमीशन की हम लोग इतने टाइम से बात कर रहे हैं, अभी हम लोगों को सबसे ज़्यादा कमीशन कब मिलेगा? जब रिन्यूअल प्रीमियम आएगा, है ना? और रिन्यूअल प्रीमियम कई बार हम काम में बिजी हैं, अगर हम पार्टी के पास नहीं जाके कलेक्ट करते तो जमा होना रह जाता है। नैच एक इतना अच्छा सिस्टम है कि ऑटोमेटिकली बैंक से डिडक्ट होके पैसा LIC के पास आता है और वो सारा प्रोसीजर आपका कमीशन, उसके बाद इजीली कमीशन निकल जाता है। तो अगर ये एक इतना छोटा सा फॉर्म आप लोग ठीक से भर के दें तो आप लोगों की आगे की सारी टेंशन्स खत्म होती हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग जब प्रीमियम देने लगते हैं, अगर कोई हमें सालाना की बात करे तो हम देखते हैं सालाना हम 25,000 दे सकते हैं, 50,000 दे सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि ये बैंक से डिडक्ट होना है सीधा, तो कई बार हम लोग मंथली की अगर हम बात करें 10,000 रुपये तक भी देने के लिए तैयार हो जाता है। तो सडनली जो प्रीमियम है आपका एनुअल प्रीमियम, वो बढ़ सकता है। इस नैच मैंडेट में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, सबसे पहले जो आपको ध्यान रखनी है, इसमें जो पार्टी के आपको साइन कराने हैं वो आप अपने कस्टमर को बताइए कि जो उसने बैंक में साइन दिए हुए हैं वो ही साइन यहाँ पे करें। इसको आप मानिए कि ये चेक है, इसको चेक की तरह ट्रीट करिए। इस पे 3 साइन करवा दीजिए ताकि एक अगर ना भी मिले तो दूसरा मिल जाए। 3 साइन करवाइए, लेकिन पार्टी को बताइए वही साइन दे यहाँ पर जो बैंक वाले हैं, क्योंकि नॉर्मली हम सबका ऐसा होता है कि हमने बैंक में साइन कुछ और रखे होते हैं और हम बाकी कागजों पे, जैसे आपके प्रपोजल फॉर्म पे साइन कुछ और करते हैं, तो यहाँ पर उससे बैंक वाला साइन कराना है। जो बैंक अकाउंट में नाम लिखा है वही नाम यहाँ पर नीचे लिखना है। इतना करवा के आप सिर्फ यहाँ पर ले आइए और चेक की, एक कैंसिल चेक की कॉपी साथ ले, बाकी का काम हम लोग ब्रांच में यहाँ बता के जाएंगे, वो आपको करवा के देंगे। फिर भी आपकी जानकारी के लिए, इसमें सिर्फ बाकी तो आपको पता है, बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, माइकर कोड लिखना है, जो ये डेट्स हैं, ये दोनों डेट्स यहाँ पर भी और नीचे भी, ये डेट आपको कंप्लीशन की डेट लिखनी होती है, जो यहाँ पर फॉरवर्डिंग में भी निकलती है। इसको आप ब्लैंक लेके आइए, जब यहाँ से कागज़ निकलेंगे तो ये हम भर देंगे। अगर ब्रांच से भी नहीं भर के आता है तो हम डिवीज़न से इसको भर लेते हैं, बैंक में भेजने से पहले हम इसको भर लेते हैं। तो इसको गलत मत भरिए, अगर आपको नहीं समझ आता है इनको खाली छोड़ दीजिए और ये दोनों डेट्स आप एक ही रख सकते हैं, ठीक है? कई बार क्या हम गलती करते हैं, जैसे हमने मई में अगर मैंडेट दिया, हमें लगता है जुलाई से डिडक्शन होना है तो हम यहाँ जुलाई की डेट डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना है, इसमें कंप्लीशन की डेट आनी है। तो आप बेहतर है इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। जो प्रीमियम अमाउंट है उसका भी एक फॉर्मूला है, उसमें जो हम लोग इंक्लूड करके देते हैं तो उसको भी आप खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पर जो फॉरवर्डिंग निकलता है उसमें अमाउंट आता है, वो अमाउंट भी हम लोग भर लेते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? मेन इसलिए हम कह रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि सिग्नेचर पार्टी को बताइए, चेक वाला करें, नीचे अकाउंट का नाम भी हो, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं चेक से देख के हम लोग यहाँ ब्रांच में कर सकते हैं। नैच एक बार शुरू हो जाए तो उसका इमीडिएटली आपको SMS पार्टी को और आपको दोनों को आएगा, रिजेक्ट होगा तब भी आएगा। कई बार ये मैंडेट की वजह से नहीं, बैंक की वजह से भी रिजेक्ट होता है।
क्योंकि पार्टी ने वहाँ पे अपने साइन बराबर नहीं दिए होते या बैलेंस नहीं रखा होता है, वो सब चीज़ें आपको कस्टमर को बोलना है कि वो अपने लेवल पे इसको मैनेज करें। दूसरा, इसके साथ एक एनेक्जर भी है, वो कभी आप लोगों ने भरा है, साइन करवाया है? एक टर्म्स एंड कंडीशंस का एक फॉर्म होता है, ये वाला फॉर्म जरूर भरवाना है, पार्टी के साइन कराना है बैक साइड पे। इसमें सिर्फ यहाँ पे आपको पार्टी के साइन कराना, ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये अगर रिकॉर्ड पे रहती है तो पार्टी इसको पढ़ भी सकती है कि इसमें क्या क्या कंडीशंस आते हैं। ठीक है, ये नैच मैंडेट जाएगा, मिसेस का भी हस्बैंड कर सकता है, हस्बैंड कर सकता है, तो उसमें हस्बैंड का नाम आएगा, वो आपके एमपी वालों को बता देंगे कि उनको 300 नंबर फॉर्म और नैच का मिलान नहीं करना है, हम केवल यही गलती करते हैं, अकाउंट के हिसाब से इसको करके देंगे। नैच फॉर्म ही है, इसके बारे में अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये एक मंथली क्वार्टरली या जो भी आप डिडक्शन करवाना चाहते हैं उस तरह से बहुत अच्छा टूल है, आप ज़्यादा प्रीमियम ला सकते हैं इसकी, इसको अगर आप यूज़ करें नैच। हमें फॉर्म वैसे एक ही चाहिए होता है, लेकिन आप दो साइन करवा के ले आइए, बाई चांस कोई कटिंग हो जाए, क्योंकि इसमें कटिंग नहीं चलती, तो भरते वक्त कोई गलती होगी तो आपको दोबारा पार्टी के पास नहीं जाना।